अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने यह सरकार बनने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार कोई टिप्पणी की है, और अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने मणिपुर पर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मणिपुर एक वर्ष से शांति की राह देख रहा है। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत का आज अपने इस भाषण में मणिपुर का मुद्दा उठाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अब ये देखना होगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये इशारा किसकी तरफ है, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी तक लगातार हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं वो उस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं, और आज मोहन भागवत साहब ने भी अपने भाषण में इस विषय पर चर्चा की है।